का पहला रूप शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का पहला रूप है, तो पास्ट टेंस का पहला रूप क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? सिंपल साधारण, सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बनाने का नियम बताते हैं, जब तक नहीं सीखेंगे उसकी पहचान उसके बनाने का तो हम टेंस नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे? पहचानने का नियम। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आया और उसको नहीं पहचान रहे हैं तो उसकी सेवा सत्कार कैसे कर पाएंगे? तो यदि नहीं पहचानते हैं तो क्या करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है। तो जब चित परिचित एक दूसरे से हो जाते हैं तो उनका हम क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, खाना खिलाते हैं, इस तरह से पहचानते हैं। तो क्या यह है? पहचानने का नियम, नियम पहचानने का नियम, पहचानने पहचानने का नियम। ठीक है, ये क्या है? पहचानने का नियम, सिंपल पास्ट टेंस को पहचाने कैसे, तो लिखेंगे जिस हिंदी, ध्यान से देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, क्रिया क्रिया क्या होता है? माय क्रिया, बाप क्रिया, नहीं, क्रिया मीन्स होता है काम, आप कौन सा काम कर रहे हैं वो क्रिया हुआ। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अंत में क्या रहेगा? या यानी तो या, ये या दोनों में से कोई, ये है ना, ये या ये, उसके बाद ई, ऐसे बोलो, ये रहेगा, क्या रहेगा? या ये ई। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा? या ये ई रहे तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो जैसे में देखें, उदाहरण देखते हैं, जैसे में वाक्य में, जैसे इस देखेंगे, या जैसे वर्ब, हम वर्ब का ए कैसे इसमें आएगा वर्ब में? या, जैसे देखो खाया, खाया, देखिए यहाँ या आया, खाया, आनी तो पढ़ा, पढ़ा, देखिए पढ़ा, तो यहाँ या आया, यहाँ इसमें क्या है, आ की मात्रा छिपा हुआ, इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है, पढ़ा, ये हो गया। ये क्या है? ये पढ़े गए, गए ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्य तो बोलेंगे पढ़े, पढ़े, तो देखिए पढ़े, यहाँ इसमें ये का मात्रा छिपा हुआ है यहाँ पे, तो ये हुआ। उसके बाद ई है, ई, तो ई में क्या, इधर देखते हैं, ई में आ गई है ना, और नहीं तो बोल सकते हैं खाई, खाई ऐसे बोल सकते हैं, दीर्घ मात्रा छिपा हुआ है, दीर्घ मात्रा लगा हुआ है, छिपा हुआ नहीं है, ऐसे बोलेंगे देखी, देखी, इसमें क्या है, इसमें दीर्घ का मात्रा लगा हुआ है, इस तरह से या दीर्घ मात्रा, या दीर्घ मात्रा, या लगा हुआ है। तो इस तरह से जब हम वर्ब में क्या रहेगा, इस तरह से वर्ड रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा टेंस का वर्ड है, इस टेंस का ये शब्द है, तो बेहिचक हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का ये शब्द है, ये वर्ब है। वाक्य कैसे रहेगा, जैसे बोलेंगे वाक्य रहेगा, वह खाया, वह पढ़ा, वह गया, लंबा वाक्य, वो कल रांची गया, वे लोग कल घूमने गए, हम लोग पढ़ लिए, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। तो ये वर्ब का ये वर्ड है, शब्द है, तो हम समझते हैं कि आप इसे समझ गए। अब देखेंगे बनाने का नियम, पास सिंपल पास टेंस को बनाने का नियम देखेंगे। इसमें बहुत चीज कुछ नहीं है, है ना, जो भी सब्जेक्ट रहता है, चाहे वह थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लुरल नंबर हो, सब के साथ, सभी के साथ यहाँ समान व्यवहार किया जा रहा है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहे तो उसके वर्ब में वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होता है। इसे देखेंगे, इसका एकदम स्ट्रक्चर से बताते हैं, एस यू बी सब्जेक्ट पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद गाएंगे वर्ब का ये दूसरा रूप, उसके बाद गाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, बस कितने यूज होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कि जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, वर्ब क्रिया काम, काम क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जो कर्म पड़ता है। तो किस कोई भी सब्जेक्ट रहे हो, सब्जेक्ट कोई भी, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सभी पर्सन में सिंगल नंबर प्लूरल नंबर होता है, तो सब के साथ भी टू का प्रयोग करेंगे। तो भी टू का प्रयोग मतलब हुआ कि वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का कितना रूप होता है, भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव, पांच रूप होता है, जिसमें सबको टू याद करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस बनेगा। तो टू में क्या होगा, जैसे गिव, गिव क्या हो, देखिए एग्जांपल देखिए, गिव, गिव किस का होता है, देना, इसका भी टू, भी टू क्या होगा, भी वन हुआ, तो भी टू क्या हो जाएगा, गैव दिया। जैसे सेल, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, तो क्या हो जाएगा, सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचा। उसके बाद बोलेंगे कम, कम मीन्स आना, तो कैम, कैम मीन्स आया। बोलेंगे राइट, राइट मीन्स लिखना, तो क्या होगा, रोट, रोट मीन्स लिखा। ये कम से कम इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो जब तक नहीं याद करेंगे तो भी टू का उपयोग नहीं कर पाएंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और एक दो ठो देखते हैं, इसे गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो क्या होगा, वेंट, गया, है ना। उसी तरह बाय, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, बी यू आई, बाय, बाय भी खरीदना, तो ब्रॉट, है ना, ब्रॉट मीन्स खरीदा। इस तरह से हम ये जो भी टू है, ये जो देख रहे हैं आप भी टू, इसको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। जब तक नहीं याद करेंगे तब तक ये सेंटेंस बनने वाला नहीं है। अब देखते हैं इसको हम सेंटेंस बनाते हैं। तो भी टू देख लिए, भी वन ये हुआ, भी टू हुआ, तो कम से कम भी टू याद करना पड़ेगा। और ऐसे भी भी टू, भी थ्री, भी फोर सब एक बार याद कर लीजिए, तब कोई भी सेंटेंस बनाएंगे धड़ल्ले से बन जाएगा। तो इसको हम मिटाते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, वाक्य है, तो बढ़िया देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में क्या कहता है, मैं कल फुटबॉल खेला, कल खेला, आज नहीं कल, तो ये भूतकाल का है, सारा भूतकाल का है। वे लोग दफ्तर गए, मेरी माँ खाना पकाई, तो पहचानने के नियम बताए थे, जिस वर्ब का में या है, तो या यहाँ पर मात्रा लगा हुआ है, ये है दीर्घई का मात्रा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको जानना पड़ेगा कि यह सिंपल पास्ट टेंस का ही यह सेंटेंस है। अब बनाते हैं, यहाँ देखिए पहला क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट काम जो कर रहा है, तो ये काम है, मैं कल फुटबॉल खेला, फुटबॉल खेलने का काम जो संपन्न हुआ है वो कौन किया है, मैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, तो मैं का क्या होगा, आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप, तो वर्ब का दूसरा रूप क्या है, वर्ब मतलब काम, क्रिया, तो कौन सा काम हो रहा है, कल, काम तो नहीं है, फुटबॉल काम नहीं है, वस्तु का नाम है खेला, मतलब खेलना, तो खेलना क्या हुआ, क्रिया हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। अब यहाँ देखना है कि हमको भी टू लगाना है, तो कले पले पले प्लेड, प्ले प्लेड, भी टू क्या होगा, प्लेड, तो पी एल ए वाई ई डी, प्लेड, आई प्लेड। अब क्या खेला, ऑब्जेक्ट, जो खेला, तो क्या खेला, क्रिकेट नहीं, वॉलीबॉल नहीं, क्या खेला है, फुटबॉल खेला है, क्या खेला है, फुटबॉल, तो फुटबॉल का लिखेंगे फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला, ये बना। लेकिन कल, यहाँ कल लिखे, दो कल होता है, एक दो कल नहीं, तीन कल होता है, एक कल है पानी पीने वाला कल, जिसे पानी पिया जाता है उसको चप्पा कल बोलते हैं, तो ये कल नहीं है, एक कल हुआ, जो कल आएगा, कल हम लोग घूमने जाएंगे, ये भी कल है नहीं, ये भविष्य कल है, और जो कल जो है, जो बीत चुका है, कल खेला, तुमने बीता हुआ कल है, तो ये हो जाएगा कल, मतलब जो कल था, कल हम लोग कहीं दूसरे जगह गए थे, तो कल के यहाँ हो जाएगा अस्टरडे, क्या हो जाएगा, अस्टरडे। तो बताएं कि कल कितने हैं, तीन हैं, एक पीने वाला, पानी पीने वाला कल, एक कल जो आएगा, आई कल बीत चुका है, तो ये बीतने वाला कल है। देखिए बढ़िया दिख रहा है सेंटेंस। अब देखिए दूसरा है, वे लोग दफ्तर गए, वे लोग दफ्तर गए, तो वे लोग को क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे, ये सब जानना पड़ेगा ना, वे लोग, मेरी, तुम्हारी, तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए वर्ब का दूसरा रूप है, ये वर्ब का दूसरा रूप, या वर्ब छांटिए, वे लोग वर्ब है नहीं है, ये सब्जेक्ट हुआ, दफ्तर, ऑफिस,
ये वर्ब है नहीं है, वर्ब मतलब क्रिया, गए मतलब जाना का काम हो रहा है, वे लोग जाने का काम किए हैं, तो जो जाने का काम हुआ वो हुआ वर्ब, तो वर्ब हुआ जाना, तो जाना का भीटू लगाना है तो भीटू क्या होगा, गो वेंट गोन, तो यहाँ हो जाएगा वेंट, क्या हो जाएगा वेंट, डब्ल्यू एन टी वेंट, दे वेंट, और वेंट के साथ जाने की जहाँ क्रिया होता है उसके साथ आंख बंद करके टू लगा देंगे, तो दे वेंट टू, वे लोग गए, अब कहाँ गए, ऑफिस गए, कहाँ गए, कोलकाता गए, कहाँ गए, बम्बई गए, दिल्ली गए, मद्रास गए, जो लिख देना है वो आपको यहाँ लिखेंगे, तो कहाँ ये ऑफिस, ऑफिस का क्या होता है दफ्तर का इंग्लिश ऑफिस, तो क्या लिखेंगे द ऑफिस, ओके। अब देखिए तीसरा देखिए, मेरी माँ खाना पकाई, मेरी माँ एक साथ है, मेरी माँ एक साथ है, तुम्हारी माँ एक साथ है ना, उसके पिताजी एक साथ, उनके पिताजी एक साथ, ठीक है, तो मेरी माँ क्या होगा, मेरी का होता है माई मदर, माई मदर। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया माई मदर, उसके बाद क्या भी टू है, भी टू, तो भी टू क्या होगा वर्ब का दूसरा रूप क्या हुआ वर्ब, देखिए यहाँ पर पकाना, पकाना क्या है वर्ब है, क्रिया है, तो क्या है पका रहे, खाना पका रहे, खाना पकाने के साथ है, तो खाना पकाना कुक, कुक मिस होता है भोजन, पकाना पकाना, तो यहाँ वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे तो कुक इट लगा देंगे, कुक, ये आपका वर्ब का दूसरा रूप, आपको ये आज का नहीं पड़ेगा तभी बनेगा, तो माय मदर कुक्ड, मेरी माँ खाना पकाती है, तो माय मदर कुक्ड, खाना का होता है भोजन, फूड होता है तो फूड है ना, या फुल स्टॉप, ये इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, बढ़िया से देख लीजिए आप, अपने इसको कॉपी में उतारिए और बढ़िया से गहन अध्ययन कीजिए, इसके बावजूद आपको समझ नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कोशिश करूंगा वहां भी आपको डॉट क्लियर करने का, थैंक यू।